Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome to Flavors with Charmin. आज मैं बना रही हूँ ब्रेड आइसक्रीम. तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. यहाँ पर मैंने लिया है 10 व्हाइट ब्रेड के स्लाइस, जिसके मैंने साइड्स रिमूव कर दिए हैं. 400 ml होममेड कंडेंस मिल्क मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ. इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. 2 टेबलस्पून शुगर हमें चाहिए और 1 लीटर फुल फैट मिल्क हम यूज़ करेंगे इसमें. तो आइए बनाते हैं ब्रेड आइसक्रीम. सबसे पहले हमें दूध को बॉईल करना है. दूध यहाँ पर मैंने बॉईल करने रख दिया है. जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे. अब देख सकते हैं दूध में अब हमारे उबाल आ चुका है. अब हम फ्लेम को स्लो करके इसको थोड़ी देर पकने देंगे. अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वाइट ब्रेड के, इसको हम रफली ऐसे ही तोड़ के इसमें डाल देंगे. इसको अब हमें मिक्स करके थोड़ी देर और पकने देना है. 5 मिनट तकरीबन इसको हम पकाएंगे स्लो गैस में, बीच बीच में हिलाते हुए, नहीं तो ये दूध हमारा नीचे से लग जाएगा. पाँच मिनट हो गए हैं. अब ये हमारा थोड़ा मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया है. अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 टेबलस्पून शुगर और कंडेंस मिल्क. इसको भी हम 2-3 मिनट पकाएंगे. और फिर फ्लेम ऑफ करके इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे. इसको जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसको ब्लेंड करेंगे. अब हमारा ये ठंडा हो चुका है. अब मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ml क्रीम. मिक्स करेंगे इसको. और हम इस मिक्सचर को अब ब्लेंड करेंगे ताकि हमारे आइसक्रीम का बेस एकदम स्मूथ हो जाए. तो मैं इसको ब्लेंड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ. और देख सकते हैं ब्लेंड होने के बाद हमारे ये मिक्सचर कितना स्मूथ है. आप इसमें अपनी पसंद का फ्लेवर या एसेंस डाल के अपनी पसंद की आइसक्रीम बना सकते हैं. मैं यहाँ पर आपको 3 आइसक्रीम बता रही हूँ, 3 फ्लेवर की. इसके लिए मैं इस को 3 पोर्शन में डिवाइड करूंगी. आइसक्रीम मिक्सचर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. सबसे पहले अब हम बना रहे हैं वेनिला आइसक्रीम. अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें हमें वेनिला एसेंस डालना है. इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून वेनिला एसेंस. अब हम इसको मिक्स करेंगे. और एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रीज कर देंगे. तो ये जा रहा है फ्रीजर में 10 से 12 घंटे के लिए. अब हम अपना दूसरा फ्लेवर बनाएंगे. दूसरा फ्लेवर मैं यहाँ पर बना रही हूँ मिंट. इसके लिए हमें चाहिए पेपरमिंट एसेंस 1 टीस्पून. और 1 पिंच ग्रीन फूड कलर. इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे. और एयरटाइट कंटेनर में भर के इसको भी फ्रीज कर देंगे.
ये मिंट आइसक्रीम भी हमारी रेडी है, अब ये भी जा रही है फ्रीज़र में 10 से 12 घंटे के लिए। अब हम अपना थर्ड फ्लेवर बनाएंगे, चॉकलेट। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए बेसिक आइसक्रीम में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, और इसको हम अब ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे ताकि कोको पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। चॉकलेट आइसक्रीम भी हमारी बन चुकी है, अब हम इसको भी कंटेनर में डाल के सेट होने के लिए रखेंगे। ये भी अब फ्रीजर में सेट होने के लिए जा रही है। इसके बाद मैं आपको 10 घंटे के बाद जब ये सेट हो जाएगी तो निकाल के दिखाऊंगी कि हमारी ब्रेड आइसक्रीम कैसी बनी है। दस घंटे हो चुके हैं, अब हमारे आइसक्रीम सेट हो गई है। अब मैं इसको स्कूप आउट करके दिखाऊंगा। अब देख सकते हैं क्रीमी आइसक्रीम हमारी बनके रेडी है। ये हो गई वेनिला। अब मैं चेक करूंगी हमारी मिंट आइसक्रीम, ये भी सेट हो चुकी है। इसको भी अब हम सर्व करेंगे। देखिए कितनी क्रीमी आइसक्रीम है, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले आइसक्रीम जैसे। इसको हम सर्व करेंगे चोको चिप्स के साथ। तो ये हो जाएगी हमारी मिंट विथ चोको चिप आइसक्रीम। अब बारी आती है हमारी चॉकलेट आइसक्रीम की। अब मैं चॉकलेट आइसक्रीम सर्व कर रही हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम हम सर्व कर रहे हैं व्हाइट चोको चिप्स के साथ। तो आप भी ब्रेड आइसक्रीम घर में बनाइए, और आपको अगर ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।